ये लोग बहुत डेंजरस है, क्या आपके पास कोई प्लान है? सर क्या मैं अपने लोगों को इन्फॉर्म कर दूं? लगता है इनको अपने से प्रॉब्लम है, आज उसे क्लियर करना पड़ेगा। मुझे 2 मिनट का टाइम दो, इसे यहीं मार दूंगा। अरे शांति रखो, तुम हमारे रास्ते में मत आओ, उसके लिए हमें क्या करना होगा? तुम अपना रास्ता मेरे लिए छोड़ दो। तुम जोक सुनाओ, इतनी भी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है हमारी। मैं दोस्तों के साथ जोक नहीं करता, बिजनेस करता हूँ। जोकर्स के साथ जोक करता हूँ। ये फालतू बातें बंद करो, मैं 30% लूंगा तुम्हारे रास्ते से हट जाने के लिए। मैं तुम सबको मिला के 10% दूंगा, रास्ते से हट जाओ। ए, तू खुद को बहुत बड़ा डॉन समझता है क्या? शुरू से ही ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा, वो अपना ही आदमी, टेंशन मत। आज के बाद ये शहर मेरा है, तुम्हें कोई डाउट है? व्हाट? आज के बाद से मैं आपका आदमी हूं सर। मैं भी सर। आई एम द किंग। एक हफ्ते से यहाँ बैठा कर रखा है, हर कोई ना कॉलेज की लड़की के पीछे पड़ता है और तू आंटी के पीछे पड़ा है। ए, तुझे पता नहीं है यार, धीरे धीरे समझ जाएगा। अरे आंटी की कार आ रही है, डोर क्लोज कर। हाँ सोमेश, अपना टेंडर पास हो गया ना? हेमंत को भी बता देना मैं आ रहा हूं। ओके डार्लिंग, मैं 2 दिनों में वापस आ जाऊंगा। ओके बाय।
बाय। अरे क्या है बे? आंटी ने मैसेज किया है। सच में? हाँ यार। वो घर पे बुला रही है। भाई जरा संभल के, लगता है उसका कोई प्लान है। अबे अपने को कोई आसानी से फंसा नहीं सकता। अभी क्यों आए हो? तुमने तो बुलाया था। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ पता नहीं, फिर भी मेरे को नंबर दिया। मैंने किसी को नंबर नहीं दिया। ओ ठीक है, अपन चलता है। अब यहाँ तक आ गए हो तो अंदर भी आ जाओ। कहीं फंसेगा तो नहीं? कर सकती हो क्या? क्या कर सकती हूँ? डांस कर सकती हो ना? डांस? अभी आती हूँ। ए कहाँ जा रही है? कहाँ ना आती हूँ। ए बताना कहाँ जा रही है? एक मिनट प्लीज। क्या नाचती है? कम ऑन कम ऑन, आजा। क्या नाचती है तू, जा भी ठंडा पानी लेके आ जा। अरे बोल, अंदर आ जाना। क्यों? अरे अर्जेंट है, आ जाना। अरे पर क्या हुआ, कुछ बोल तो। मैं फोन रखता हूँ, चल आ जा, जल्दी आ। ठीक है। क्या हुआ? अरे अरे यार वो बोलना, क्या हुआ? मैं वो ऊपर वो आंटी आंटी अरे कुछ बोलेगा। अरे वो मैं चल दिखाता हूँ तेरे को, ये देख। ए ये सब क्या है? क्या ये? टिडिन टिडिन टिन टिडिन टिडिन टिन। ए नीचे जाकर चेक कर। ठीक है। तेरा नाम क्या है? सावित्री। अब तेरा पति क्या करता है? बिजनेस। कितना कमाता है? 4 लाख। इतना कमाने के बाद भी तू ऐसे काम करती है? वो घर में कब रहता है? जब देखो बिजनेस के लिए बाहर रहता है। ये सब मैं क्यों सोच रहा हूँ? सर मुझे कुछ मत कीजिए सर। ओवर एक्टिंग करना बंद कर। पैसे कहाँ है? नीचे के रूम में, राइट साइड की अलमारी में। ए आ, नीचे रूम में राइट साइड की अलमारी में है। ओके ओके। पैसे कहाँ रखे हैं? उसी रूम में बेड के नीचे हैं। ए आ, उसी रूम में बेड के नीचे हैं। अरे थैंक यू जानू। हमारे जाने के बाद पुलिस को फोन करके एक हैंडसम मैन और उसके साथ एक लंबे बाल वाला काली आया था, अगर ऐसा बोला तो समझ लेना। ऐसा कैसे बोल सकती हूँ, मेरे मैसेज तुम्हारे पास है ना। अरे वाह होशियार है। अरे चलना, क्या टाइम पास कर रहा है?
रुको, तुम लोग ऐसे चले जाओगे तो मैं अपने पति से क्या कहूँगी? कम से कम उस चाकू से दो निशान ही बना दो। ए, दो निशान नहीं, तीन निशान बना दे। आंटी के गहनों से आंटी का स्मेल आ रहा है। ए! क्या हुआ? मैंने तुम लोगों के साथ कोऑपरेट किया ना, अब जरा मेरी एक हेल्प ही कर दो। क्या करना है? उस पड़ोस के घर वालों से मेरी बिल्कुल नहीं जमती है। उस घर में एक पत्थर फेंकते जाओ। बस इतना ही ना, फेंकते हैं ये पत्थर उठा रहे। थैंक यू। चोर 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 बड़ी भांजे बाज़ है, चल वट ले यहाँ से, निकल। दुनिया की तू छोड़ देकर कोई भी रोके तो पंगा तू कर। शेरों के शेर हम, यारों के यार हैं। दुनिया की तू छोड़ देकर दिल में आए वही तू कर। दुनिया की तू छोड़ देकर कोई भी रोके तो पंगा तू कर। यारों के यार हम, बेमिसाल हम, साथ मिल जाए कर दे धमाल हम। दीवाना मस्ता रहा हमारा दुनिया ये बोले। खाने का पीने का टेंशन नहीं, लेने का जीने का मरने का बहुम नहीं, मारने का पंगा हुआ तो भाई से बोले का समझा क्या क्या क्या। दुनिया की तू छोड़ कर दिल में आए वही तू कर। दुनिया की तू छोड़ कर कोई भी रोके तो पंगा तू कर। दुनिया की तू छोड़ कर दिल में आए वही तू कर। दुनिया की तू छोड़ कर कोई भी रोके तो पंगा तू कर। जो भी अपन करते हैं फैशन हो जाए, गुप्पे अपने तो चोरियां मर जाए। सारे शहर में तो अपनी चलती है, शहर में चर्चे हैं, यहाँ सब डरते हैं। कल की हमको फिकर नहीं, टेंशन का हम जिक्र नहीं। तेरी मेरी दोस्ती है इसमें ना कोई शक, तेरी मेरी दोस्ती पे ना किसी का हक। तेरी मेरी दोस्ती है इसमें ना कोई शक है, तेरी मेरी दोस्ती पे ना किसी का हक है। अबे कब से दिमाग का दही कर रहा है? अरे बेटो, मैं तेरे से गहने मांग रहा हूँ या हीरे मांग रहा हूँ, बस एक लड़की तो मांग रहा हूँ ना, वो भी नहीं दे सकता है ऐसा दोस्त। यार जरा शांत रहना, लेके चलता हूँ तुझे, चल आजा। अरे ऑटो खाली है, लेके चलता हूँ, चल। अंधेरी रातों में गरीबों के किशोर कुमार, चुप बैठ। क्या मस्त माले इधर। What do you want, yeah, sir? I English know. You English speak. So strong. Yo, but yo. I can speak English. But what you are speaking is not English. आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं। मेरे को एकदम कच्ची कली लड़की चाहिए। Okay. आइए सर। हाँ, चल। वो सारी आइटम है, देख लो। White shirt. ये ओके है। इसका रेट कितना है? 40,000 रुपए। क्या बोला, 40,000 एक दिन का? एक दिन का नहीं, एक घंटे का। क्या बात कर रहे हो यार, आजकल कौन इतना पैसा देता है और लेता है। ए, इसे उठाकर फेंक दो। भाई भाई, अरे मेरा बात करने का मतलब वो नहीं, जरा ठंडे दिमाग से सोचो ना। हाँ बोलो। देखो, यहाँ आने से पहले अपने मन की सारी भावनाओं को अपने घर पर रखकर आना। भाई, उसके लिए अपने को कितना पैसा देना पड़ेगा? 50 लाख अरेंज कर लो। 50 लाख? एक मिनट। अभी इतना रख लो, बाकी का बाद में देता हूं। यही रूम है, तू यही रहेगा क्या? हाँ तो
रूम के अंदर से आवाज आएगा, तेरे को चलेगा क्या? ऐसा मैंने बहुत बार सुना है, अंदर जा, ऑल द बेस्ट। सर उसे अंदर का एक घंटा हो गया सर, अभी उसे मजा नहीं मिला लगता है, छोड़ दे उसे। सर सर दो घंटे हो गए सर। अरे शायद वो सो गया होगा, जा उठा उसे। ठीक है। अबे लेफ्ट साइड में रोक। अबे क्या हुआ? अबे रोक ना। अरे क्या हुआ बताएगा? नीचे से निकल जाएगा, रोक। अबे तेरा नीचे से ऊपर से काम कर रहे, गाड़ी रोक ना। नहीं कब खत्म होगा? अरे बाप रे। अबे रोक रहा हूँ ना, जरा शांत हो जा। ठीक है, लेके जा। शुक्र के आता हूँ, बात को समझता नहीं है। सुन जल्दी आ। अरे लड़की मिस हो गई, ये बात बॉस को पता चले उससे पहले लड़की को ढूंढना होगा, तुम लोग जाओ। जी भाई। चल निकल। आपको कैसे पता चला बॉस? कुछ चीजें पूछनी नहीं चाहिए, कुछ चीजें बतानी नहीं चाहिए, कुछ चीजें बताने की जरूरत नहीं। बॉस बॉस प्लीज, कल तक किसी भी तरह उस लड़की को मैं ढूंढ लूंगा। चल मुझे एक बात बता, वो कैसा था? मैं समझा नहीं बॉस। मतलब तेरी बात पूरी सुनी क्या उसने? भाई भाई अरे ठंडे दिमाग से सोचो भाई, आप उनके कहने का मतलब नहीं बॉस। वो अपने आसपास के माहौल को देख के बात कर रहा था क्या? क्या एक दिन का 40,000? नहीं बॉस। तो फिर वो कुछ ज्यादा सोच के बोल रहा था क्या? अभी इसको रख लो, बाकी का बाद में दे दूंगा। नहीं। तो फिर वो इतना खतरनाक नहीं है? कल तक मुझे उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके बॉस। मैं सुंदर दिख रहा हूं क्या? लिप टू लिप किस करना है क्या? ए, मुझे कैसे भी वो लड़की चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हो? क्या सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नीचे उतर, नीचे उतर के बात कर। क्या हुआ सर? यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरा दोस्त वॉशरूम गया है। हाँ हाँ।
लाइसेंस दिखा। लाइसेंस ये लीजिए सर। नाम क्या है? शक्ति सर। शक्ति? हाँ। तेरे फ्रेंड का नाम क्या है? जिज्जू। शक्ति जिज्जू। क्या काम करते हो तुम लोग? मैं ऑटो चलाता हूँ। तुम दोनों का नाम कहीं तो सुना है। हमारा नाम है? कहीं तो बहुत गौर से सुना है तुम्हारा नाम। चांस ही नहीं सर। पीछे क्या है? इसमें कटहल है सर, डिलीवरी देना है। कटहल है? मुझे भी दिखा जरा। चल थैली खोल। आप जाने दीजिए सर, अर्जेंट डिलीवरी देनी है। ओहो, चल खोली से। सर वहाँ कस्टमर वेट कर रहा होगा, चलता हूँ। बोला ना खोली से। दिखा दिखा। सर मेरी बात। बोला ना खोली से। क्या है वो? क्या है वो? सर मेरी बात सुनिए सर। कौन है वो लड़की? मेरी बात सुनिए सर। कौन है वो लड़की? मैंने कुछ नहीं किया सर। कॉलेज से सर, मैं कुछ नहीं जानता सर। जल्दी बताओ ये लड़की कौन है? मैं नहीं जानता सर। ओ मैं सच कह रहा हूं सर, कुछ नहीं पता। सर गन क्यों ली? अरे चलना। इस टाइम पर कौन आ गया यार? मूड खराब कर दिया इसने। देखता हूँ यार, देखता हूँ एक बार। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। शांति से पर्सनल काम भी नहीं करने देते। अभी क्या हो गया यार? इस टाइम पर यहाँ क्यों आए हो तुम लोग? तेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आए हैं। कहाँ? वहां देख। इतना सारा? ये क्या मुसीबत है? क्या लेकर आ गए? क्या लेकर आ गए? कहाँ फंसा दिया मुझे? अरे मेरी जान छोड़ो, जाओ यहाँ से, ये सब लेकर जाओ। मेरी जान छोड़ो। अब बता क्या करना है। मेरी बीवी को यहाँ आने से पहले तुम लोग इसे लेकर जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये सुन, लड़की को लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं और दोनों सरेंडर हो जाते हैं। शाबाश। बोलेंगे यही बॉस है। और कहेंगे हमारे काम का 25% इसे देते हैं। ये ले पकड़, ठीक से पकड़। गहने बेच और पैसा अपने पास रख। अब बता क्या करना है। बोल। सेलरूम में मेरे मामा जी हैं, मैं उनको फोन करके बता देता हूँ। तुम लोग वहीं चले जाओ। प्लीज यार, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, जाओ। चल चलो। रोको रोको, गाड़ी रोको। हाँ बॉस बाबू, अपने लोग हैं, आने दीजिए। डेंजरस दे Dangerous, dangerous, dangerous. क्या सुन रहा है? माइकल जैक्सन का गाना सुन रहा हूँ मैं। वो कैसा दिखता है पता है? बचपन में टीवी पे देखा था। पीछे गोने में क्या है पता है? काया है, लड़की है, किडनैप करके लाया हो। उसके बाद जो तीन गुनी है उसमें क्या है पता है? क्या है? गांजा है, स्मगलिंग कर रहा हूँ मैं। Dangerous. Thank you.
यहाँ अपने अलावा और कोई नहीं आ सकता। इससे सुरक्षित जगह और कोई नहीं है। यहाँ से मेन रोड पर जाने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने। भैया भैया मुझे छोड़ दो। अबे तेरी तो कौन है, कौन है तेरा भाई? हाँ भैया बोल दिया। नहीं मैं समझ करो, आप जो कहेंगे वो बोलूंगी। सर बोल। ठीक है सर। तेरा नाम क्या है? सीता है। सीता, बहुत अच्छा नाम है। तुझे भूख लगी है क्या? मैं कुछ खाने को लाता हूँ। इधर ही वेट कर, मैं अभी आता हूँ। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। अरे गोनी गाय को बीच में निकाल इसको। मैं खिलाता हूं ना। अच्छा लग रहा है। वन मोर। इधर कोई नहीं आएगा, सिर्फ अपन दोनों ही। तू टेंशन मत ले। ये ले, छोटा सा नहीं वाला है। अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। वाटर 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 पीने का ना तेरे को। गेट अप गेट अप, खड़ी हो जा। अभी आकर पीले पीले पीले। गीला हो गया। अरे रुकना, पूछता हूँ। इधर भी गीला हो गया, इधर भी गीला हो गया। बाल 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 सवरता हूँ। टेंशन मत ले, 5 मिनट में साफ सूख जाएगा। ए रुक। चल चल। दोबारा भागेगी तो भूल जाऊंगा कि तू लड़की है। तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज भी है? ए, तुम्हारे जैसे से ऐसी ही बात करनी चाहिए। मेरे जैसी मतलब? ज़बान बंद रख। भाग रही थी। सही से कपड़े पहनना सीख ले। ये ले। देख यार मेरे को कैसे घूर रही है। तू इसके पास क्यों गया था? बोलो। कंप्लेंट लिखो। क्या गया है? सर्विस रिवॉल्वर। ए, इसकी सर्विस रिवॉल्वर चोरी हो गई। कहां पर चोरी हुई? बीच रोड में। वहां पे तुम क्या कर रहे थे? पेट्रोलिंग कर रहा था। पेट्रोलिंग? तुम मेरे एरिया में पेट्रोलिंग क्यों कर रहे थे? तुम अभी कंप्लेंट लिखोगे या नहीं? ए, वो छोड़ना। मेरे एरिया में तू पेट्रोलिंग क्यों कर रहा था ये बता। ए, अपने सीनियर ऑफिसर को फोन कर। करता हूँ, बात करो। मैं डरता हूँ क्या? सर, शहर का सस्पेंडेड एसपी बात करना चाहता है। हेलो। हाँ बोल। तू पहले इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ट्राई किया था ना, फिर से ऐसा काम मत करना। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, अब एक बार ये आवाज सुन ले। तो
नहीं जानू। मेरी बात सुन। अरे मेरी बात सुन, तेरे को डरने की जरूरत नहीं है। तू जैसा सोचती है वैसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ। सुबह तूने मारा फिर भी मेरे को गुस्सा नहीं आया। मैं तेरे को कुछ भी नहीं करूंगा, हाँ सच बोलता हूँ, प्रॉमिस। हाँ कसम तेरे ऊपर ना, मेरे को कोई भी गुस्सा नहीं है। मेरा ना ऐसा ही छोटा सा प्यार था। तुझे एक बात बताना भूल ही गया, मैं कुछ दिनों बाद वाइज अब जा रहा हूँ। शक्ति अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए मेरे आने तक तेरे को खतरा है। लेकिन तू बिल्कुल डर मत और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, समझ गए ना? चल मैं आता हूँ, बाय। सर आप मेरे घर में, वो भी इस टाइम। कुछ गलती हुई है मुझसे। अगर मुझसे कुछ गलती हुआ है तो बताओ ना सर। वो यूसुफ की वजह से ये सब हुआ है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी बात मानो सर। प्लीज सर। कुछ गलत हुआ है ये मुझे डाउट था, तुमने क्लियर। गलत किया है तो डरना नहीं चाहिए, डर लगता है तो गलत मत करो। सुबह सुबह जब खिड़की खोले बाजूल, ए भाई फोन करूँ कर लो। दिल मेरा बोले हेलो हाउ आर यू। हेलो ब्रो, कैसा है? ब्रो किसे बोला बे? अरे वही ब्रो, अपुन एक लड़की को किडनैप करके लाया है ना। कहाँ है तू बता, कहाँ से बोल रहा है? ब्रो, अभी एग्जैक्टली वाइजाक के तेनेरी गांव के बाहर एक कॉइन बॉक्स से तुमको फोन कर रहा हूँ। पकड़ लेगा क्या? जंगल में वो लड़की एकदम सेफ है। तू ये फेक एड्रेस इतनी डिटेल में बता रहा है, मैं तेरी बात मानने के लिए लगता हूँ क्या तुझे? तेरी तो, अरे अगर तू मुझे मिल गया ना तो मैं तुझे। ओके, बाद में फोन करता हूँ। हाँ ब्रो। अरे तुझे क्या चाहिए ब्रो? लड़की का वैल्यू तुमने 50 लाख बोला था, मेरे को 40 लाख दे दो, मैं उसको छोड़ दूंगा। पकड़ने की कोशिश मत करना, 2 दिन बाद फिर से फोन करूंगा। मेरा बंदोबस्त करके रखना। हाँ रख रहा हूँ। इसके हाथ क्यों खोल दिया आपने? खाना खाना है ना? कोई जरूरत नहीं, आप ही खिलाओ। हाथ खोले हैं, भाग सकती है ये। मेरे हाथ खोल दो, मुझे बाहर जाना है। ए, ऑर्डर क्यों दे रही है? तू क्या महारानी है? नहीं, मैं भी एक मामूली इंसान हूँ, इसलिए मुझे इसके लिए जाना है। ए, पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? हाँ चेक कर रहा था मैं। वहाँ कहाँ जा रही हो? फेस वॉश करने। ज्यादा अंदर मत जाना, मगरमच्छ है वहाँ। Thank you.
क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ से आएगा पता नहीं, कब आएगा ये भी पता नहीं है, बेवकूफ बना रहा है मुझे। पैसे मांग रहा है बॉस। पैसा नहीं मांगेगा तो क्या चॉकलेट बिस्किट मांगेगा? कितना मांग रहा है? 40 लाख। 20 में फाइनल कर दो। ओके बॉस। December 24, January 18, February 14, 3 times ऐसा हुआ मेरे साथ। जब मुझे लॉस होता है तो बहुत गुस्सा आता है। सॉरी बॉस। बाप रे, कितनी आसानी से मर्डर करता है ये। क्या हो गया बॉस? चेहरा धो ले। चला गया क्या? लगता है चला गया। क्या है? कल अपन तेरे लोगों को फोन करने जा रहा है। टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। कल तुझे उनके पास भेज दूंगा। मेरे लोग? हाँ, उधर तू फ्रीडम हैप्पी एंजॉय कर सकती है। फ्रीडम हैप्पी, वापस कब आएगा? मुझे क्या पता, जब जमेगा तब आ जाऊंगा। तो ठीक है, मैं जाकर सारी जरूरत की चीजें लेकर आता हूँ। चाचा, हाँ, अकेले रह लोगे ना? मैं रह लूंगा, तुम अपना काम करके जल्दी आ जाना। लड़की की चिंता तुम मत करना। ए लड़की, हाँ, ये क्या? लड़की रस्सी खुलकर भाग गई क्या? कहाँ गई? ए लड़की, अरे बाप रे, लड़की भाग गई क्या? लड़की भाग जाएगी तो मैं फंस जाऊंगा। ए लड़की, लड़की, अरे कहाँ गई? ए लड़की, ए लड़की, you
क्या चाहिए? हुक्का पीना है? ये ले पी। हेलो हेलो। अरे कब से मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, कहाँ है तू? विजयनगर में ब्रो। अबे कौन है तेरा ब्रो? तेरी मम्मी ने मुझे पैदा किया है या मेरे डैडी ने तुझे पैदा किया है? ब्रो, ब्रो का मतलब वो ब्रो नहीं, ब्रोकर का ब्रो। लगता है तेरा फ्रस्ट्रेशन अभी कम नहीं हुआ है। चल मैं बाद में कॉल करता हूँ, अभी रखता हूँ। तुझे क्या चाहिए यार? 40 नहीं 10। 30। 10 बोला ना। हाँ ठीक है रखता हूँ चल। अरे 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 रुक जा। फाइनली भेज देता हूँ। लड़की कहाँ है बता दे। ब्रदर 2 दिन में कॉल करता हूँ, वेट करना, जगह भी मैं ही बताऊंगा। टू डेज 2 दिन तक वेट करना है मुझे यहाँ। हम लोग गलत कर रहे हैं बेटा। हमने आज तक जो भी किया है वो सब गलत ही किया है चाचा, इसमें क्या सही और क्या गलत। अभी तक हमने जो भी गलतियां की हैं वो गलत करने वालों के साथ की हैं, लेकिन ये लड़की वैसी नहीं है चाचा। इतना अगर सोचेंगे ना तो हम एक दिन भी नहीं जी पाएंगे। उस लड़की से बढ़कर मुझे मेरा दोस्त जीजू है, ये सब मैं उसी के लिए कर रहा हूँ चाचा। ये सब बातें सोचना मेरे लिए बेकार है। जाओ और सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। ए शक्ति, क्यों बेटी ठंडी लग रही है? क्या इस दुनिया में सिर्फ बुराई ही बची है, इंसानियत नहीं है क्या? नहीं बेटी, उस शब्द को तो हम कब के भूल चुके हैं। ये शक्ति हो या मैं हूँ या तुम हो, ठीक से जीने के लिए समाज ने मौका दिया है क्या? अगर समाज ने तुम्हें मौका दिया होता तो तुम वेश्या क्यों बनती? शक्ति की माँ भी तुम्हारी तरह ही थी। इसकी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आ गई बेटी कि वो पूरी तरह बदल गया। वो बुरा तो है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। उसकी माँ कहाँ से आई कैसे आई मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मैं जहाँ रहता था वहाँ एक छोटे बच्चे को लेकर आई थी। किस्मत ने किसे मोड़ पे लाया, अब तो डराए खुद का ही साया। क्या हुई थी खता, मिली ये सजा। मरना है मुश्किल, जीना है सजा। ए, तो चलेगी क्या? बोलना बोलना, चलेगी क्या? कितना दोगे? 200 रुपए दूंगा। किस्मत ने किसे मोड़ पे लाया, अब तो डराए खुद का ही साया। किस्मत ने किस मो
छोड़ पे लाया। सुनिए जरा, सुनिए ना, यार मेरा बेटा बहुत दिनों से चल रहे हैं, अब चलने की ताकत भी नहीं है, हमें कुछ खाने के लिए लाकर दे दीजिए। मुझे भी आपके साथ खेलना है। ये पकड़, मुझे पकड़। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मैं चाबी के बिना दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम हटो, मैं कोशिश करता हूँ। अरे तुमने कैसे किया? तुम बैठो ना। तेरे परिवार में जो कुछ भी हुआ वो हो गया, और कितने दिनों तक इस तरह रोएगा? मेरे पास कुछ पैसे जमा है, मैं तुम्हें दे देती हूँ, यहीं पास में चाय की दुकान खोल लो, क्या कहते हो? तुझे खाना दे दूँ बेटा? जीजू के साथ क्यों घूमता है तू? वो बहुत बदमाश है। ए, भागा है तेरी? मुझे नहीं पता, घर पर तो नहीं है। मुझसे झूठ बोलता है, नाले कहीं का। क्या गलत क्या सही आता समझ नहीं, तेरे ही लिए तो लिया जीने का फैसला। मंजिल लापता खोया है रास्ता, किसी से भी ना रहा अब मेरा वास्ता। क्या हुई थी खता मिली ये सजा, अब ना जीना। तू उसके साथ अब भी घूमता है? वो जेल में भी जाकर आया है। उस जीजू के साथ घूमने के लिए मना किया था ना तुझे, वो अच्छा लड़का नहीं है, सुन रहा है? ए, क्यों परेशान कर रही हो? तुम क्या सही काम कर रही हो? बता देता हूं, अगली बार उसके बारे में कुछ बोला तो बहुत गलत होगा। जो मैं लाकर देता हूं वो खा और चुपचाप घर में रहो। उसके बारे में कुछ बोलने का तुम्हें अधिकार नहीं है, समझ गई? ये सब क्या है? ये भीड़ किस लिए है? तेरी माँ मर गई है। ए, म्युनिसिपैलिटी वालों को फोन कर, आकर बॉडी ले जाने के लिए बोल। ए, तुझे पता है तेरी माँ क्यों मरी है? हाँ? अच्छा बोल, तू सब कुछ जानता है क्या? ए, कौन सी टाइम पे क्या बात कर रहा है?
वो लड़की कहाँ है? कहाँ चली गई वो? वो अगर भाग गई ना तो याद रखना। फिर से भागी ऐसा लगा तुम्हें? टेंशन मत लो, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मेरा जैकेट, अरे पकड़ो। कहती है खुशियों को लेके आकाश में तोड़ जा, झरना ये कहता है तू सारे गम भुला, खुशियों के संग तू बह जा। जिंदगी में तो भर ले खुशियाँ, तू गम को ना दे जगा। छोटी सी दुनिया है आजा तू, मौसम ये तुझसे है कहता। मैं तेज झरने को झूलू जरा, सुन ले तू दिल की जरा। मैं भी तो बहके तेरी तरह, जीने का ले लो मजा। अरे बहता है ये झरना, कहता है हमसे आके तू सुन ले जरा। कहना है तुझसे ये तेरे दिल में क्या, हमको खुल के तू ये बता। देख ले चारों तरफ झरझर ये झरने, कुछ तो कहते हैं सुन तू जरा। हेलो हेलो, 20 लाख में फाइनल कर दिया बॉस। तुझे बहुत खुशी हुई ना? मैं खुश क्यों रहूंगा बॉस, उन लोगों ने मुझे जो बताया मैंने वही बताया। वो लोग मतलब कितने लोग? वो होगा और वो लड़की। उसने अकेले ही किडनैप किया है क्या? हाँ बॉस, उसने अकेले किया है। तुझे कैसे पता कि वो अकेला ही है? वो अकेला नहीं है, क्योंकि उसने दोनों बार अलग अलग एरिया से फोन किया था और उसने सच्चाई बताई थी। तुमने उसे मजाक समझकर छोड़ दिया था। अगर वो अकेला होता तो वो एरिया एरिया घूमकर तुम्हें फोन नहीं कर पाता। जरूर उसकी कोई मदद कर रहा है। मुझे अर्जेंट में वो लड़की चाहिए, बाकी सारे लोगों को मार दो। तू कब आया? उसकी जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है इसे। क्या हुआ? ए ए
दो दिन का टाइम मांग रहा है वो। ये सब क्या चल रहा है? उनको लड़की चाहिए या नहीं? मेरे पे क्या भड़क रहा है? उधर जाके पता लगा। उसे छोड़ देते हैं, नहीं तो हम फंस जाएंगे। ए, चुप। इतना मेहनत किया है उसको छोड़ देने के लिए? तो फिर क्या करें? दो दिन वेट कर लेते हैं। इसको पहन ले। क्या है बोल? जिज्जू तुम्हें मारने के बारे में सोच रहा है। क्या बकवास कर रही है? मेरी बात सुनो। वो मुझे क्यों मारेगा? पैसों के लिए। मुझे तो मैं उससे बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सुबह वो मुझसे मिलने आया था। इन कपड़ों में तेरे को देख के मैं पागल हो जा रहा हूं। अबे सुन, 20 लाख में मामला फिक्स हो गया। तो मैं क्या करूं? तुझे पता है ना, तेरे को वहां से किडनैप मैंने ही किया है। पता है। तुझे वापस उधर जाना पसंद नहीं है। तुझे वहां पे छोड़ देता हूँ, फिर 2 दिन बाद वापस ले आऊंगा। हम 20 लाख रुपया बांट लेंगे, 10 मेरा और 10 तेरा। तू मेरे साथ रह जा, तू भी खुश रहे और मुझे भी खुश रख। वो पैसा लेकर हम कहीं दूर चले जाएंगे। और फिर तुम्हारा दोस्त मार डालेंगे। क्या बात कर रहे हो? मार डालेंगे मतलब? सच में ये फिक्स है, तू बोल क्या बोलती है? आज वो तुम्हें धोखा दे रहा है, किसी दिन मुझे भी मार देगा, इसलिए मुझे भी उस पर भरोसा नहीं है। तुम मेरी बात ना मानो, कोई बात नहीं, लेकिन सावधान रहना। दोस्त है या दुश्मन? अबे दोस्त नहीं, भाड़ में रोक कर रहे हैं। क्या कर रहा है? ये सब कर सकते हैं, तूने जरा भी नहीं सोचा? क्या सोचने का है? क्या सोचूं मैं? दोस्त है या दुश्मन? अबे जा। ए, ये सब क्या कर रहा है? नहीं यार, बाप रे, मुझे मारेगा, मुझे मारेगा तू? हाँ, क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए तुझे बोल। अरे नहीं यार, हाँ मेरी बात तो सुन। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया बोल? मुझे मारेगा? अरे नहीं रे,
सिर्फ 30 लाख रुपए के लिए? मैंने ऐसा नहीं सोचा। ये तेरा ही प्लान था ना? बोल तेरा ही प्लान था ना ये? क्यों किया? बोल, धोखा देगा मुझे? अरे नहीं यार, धोखा देगा? बोल, मेरी बात तो सुन। बता क्यों किया? अबे ये, रुक जा। ए, देख लूंगा तेरे को और उसको दोनों को। ए, मेरा फोन देकर जा। कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं कर सकता, समझा? ए, आखिर भाग के कहाँ जाएगा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कमीने। देख लूंगा तेरे को। दोस्ती के नाम पर थप्पा है तू। भाई इसकी हिम्मत तो देखो, आपसे मिलने यहाँ तक आ गया। तुम भाई, अपन के शरीर को कोई भी हाथ लगाएगा तो वो लड़की कहाँ है अपन नहीं बताएगा, समझा क्या? ए, रुक जाओ, तुमसे 10 मिनट पर्सनली बात करने का है, डील सेट करना है, क्या बोलते हो? तुम सब लोग जाओ। अरे मैंने क्या कहा था और तूने क्या किया? मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हारे पास तुम्हारे 10 आदमी है ना? मेरे आदमियों में से मेरे बॉस के लिए कौन काम करता है पता नहीं। मेरी सारी बातों की इन्फॉर्मेशन बॉस को कौन देता है ये भी मुझे पता नहीं। तो फिर मुझे क्या मिलेगा? तुम उस लड़की को किडनैप करके एक ही जिद पर अड़े रहो, 40 लाख रुपए लूंगा। मैं बॉस से बात करके 20 लाख में डील पक्की करूंगा। उस दिन आने से पहले सब कुछ रेडी रखूंगा। सिक्योरिटी के लिए ये उधर रहेगा। तुम इस पे भरोसा कर रहे हो? ये वही आदमी है जो बॉस की सारी इंफॉर्मेशन मुझे देता है, इसीलिए। तो फिर वो लड़की किधर है? क्वेश्चन का आंसर चाहिए या पैसे चाहिए? फूल, गलती हो गई, अब क्या करना है? वो लड़की, ए, अभी वो लड़की इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी अपनी जान खतरे में है, अब क्या करना है बताओ? तुम्हारे 4 लोग मेरे साथ भेजो, वो कहीं भी रहेंगे मैं उनको ढूंढ के निकालूंगा। तू जा यहां से, जा। ठीक है, मेरे लोगों को यहां भेजो। तुम्हारा बॉस बुला रहा है। अबे कौन है बे, सुबह सुबह परेशान कर रहा है? रॉन्ग नंबर है बता रहा हूं ना, चल फोन रख। पता नहीं काय को परेशान करते रहते हैं। इधर देख, तू उसके साथ जा, लड़की के मिलते ही उसको और उसके साथी को वहीं खत्म कर देना और लड़की को लेकर आना। जा। शक्ति क्या हुआ बेटा? ये कुछ पैसे हैं, रख लो इसे। मैं उसे लेकर जा रहा हूं। आप कहां जाओ? पता नहीं कहां जाऊंगा, अब ये तो वक्त ही बताएगा। वापस मत आना।
ए, क्या कर रही हो? ऑटो में कभी बैठे नहीं हो क्या? मिल नहीं रहा है। देख कहाँ गई है। अरे कहाँ चला गया, जल्दी ढूंढो उसको। पता नहीं। देखो तुम अब जा सकती हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। उसे पैसों की जरूरत थी और मैंने उसकी मदद की। आज से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। तुम अपने परिवार के पास जा सकती हो। गई नहीं। ए, सुनो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं? माँ बाप, भाई बहन, बॉयफ्रेंड? वही तो कह रही हूं, मेरा कोई नहीं है। और तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा तुमने ही कह दिया ना। मेरे साथ चलो।
अरे रुक रुक, तुम? अरे अरे मेरी बात तो सुन। नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। दरवाजा खोल। जाओ कहा ना। अरे छोटी सी मदद चाहिए। मैं नहीं करूंगी, जाओ। मेरे लिए नहीं, इस लड़की के लिए प्लीज। कुछ लेकर आऊं? हाँ, इसके लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। उस रूम में कर लो। रुक क्यों गई? काटो। क्यों, क्या हो गया? तुझे मरने के लिए मेरा ही घर मिला था। अगर मेरे पति को पता चल गया तो? तुम जरा शांत रहोगी? क्या मैं? हाँ तुम। ये मेरा घर है। शांत रहो। हा? 5 मिनट और चुपचाप खड़े रहो, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये सब क्या चल रहा है? यहाँ नहीं, जिस जंगल में हम थे ना, वही मरना चाहिए था। मैं ऐसा क्यों कर रही थी, तुम्हें पता है? पता है, तेरे बाप ने तेरी माँ को धोखा दिया। तेरी माँ बचपन में ही मर गई, तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे धोखा दिया, यही सब बातें होगी। हाँ, मेरे बाप ने धोखा दिया। हाँ, मेरी माँ बचपन में ही मर गई, लेकिन इनमें से कोई भी वजह नहीं है मेरे प्रोस्टिट्यूट बनने की। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे बचपन में ही मेरे पिता जॉब के लिए दुबई गए थे, तभी मेरी माँ को कैंसर हुआ, वो मर गई। ऑलरेडी दूसरी औरत के साथ सेटल होने की वजह से मेरे पिता मुझ पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। मैं मेहनत करके, पढ़ाई करके, जॉब करने के स्टेज पर आ चुकी थी। मेरा एक बॉयफ्रेंड भी था। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं आ सकती, मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है। मैंने कल ही कहा था ना, फिल्म देखने जाते हैं। I told you ना, बहुत ज्यादा काम है। Why don't you understand यार? अच्छा तो तुम नहीं आओगे ना, मैं तुम्हें दोबारा कॉल नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है, बात को समझो प्लीज। Why don't you get it यार, तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। आ गई है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ऑलरेडी ऑफिस के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ। या ओके, तुम कॉल मत करना। डोंट कॉल मी अगेन, आई विल आल्सो नॉट कॉल यू। बाय। मम्मी, मम्मी। चुप, चुप, चुप बोला ना। ज़्यादा चिल्ला मत। चुप। ए गाड़ी तेज चला। चुप से पकड़ो। चुप। दबाओ। चुप। अबे चुप। रो मत जानू, मत रो जानू। अरे अरे मेरी सोना, अरे मेरी जान, मत रो मत रो। रो मत बोलाना, मुझे छोड़ दीजिए। हाँ, छोड़ दे तुझे। तेरा फोटो किसने भेजा था बता? तुझे इतने दिनों तक ढूंढने में परेशान रहा, तुझे कितनी मेहनत से मैंने किडनैपर से छुड़ाया, तुझे पूछने वाला आज तक कोई नहीं आया, तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूँ मैं, इतनी आसानी से छोड़ दूँ तुझे? प्लीज सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। प्लीज सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ।
बॉस, तुम्हारा नाम क्या है? बोलो ना। सीता। सीता। माय सेल्फ रावण। अच्छा है ना? अच्छा, क्या जॉब करती हो? सैलरी कितनी है? थर्टी थाउजेंड। खर्चा चल जाता है क्या? क्यों रे, तेरा खर्चा कितना? 1,00,000 रुपए। देगा 1,00,000। देखो, मेरे साथ काम करोगी, 1,00,000 रुपए कमाओगी। छोड़ दीजिए सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। तुझे कितनी बार बोलूं? मुझे 100% कमिटमेंट वाली चाहिए, मेहनत से काम करने वाली नहीं चाहिए, मूड को समझने वाली चाहिए। अरे कन्विंस कर। देखा गया रे, मान गई ना ये? काफी समझदार हो। वैसे लड़कियां तो फूलों की तरह होती है। पहली बार है, बोलो ना, फ्रेश हो ना। सुना तूने? फ्रेश है ये, फ्रेश लिस्ट में डाल देना। इसका रेट अच्छा मिलेगा।
भागना तो छोड़ो, मुझे वहां मरने का भी चांस नहीं था। जीने की कोई इच्छा नहीं थी। जो भी आता था वो अपनी मर्जी से मुझे टॉर्चर करता था। ड्रग्स देना, मारना, हर पल नर्क में रहने जैसा था। लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरे पास एक कस्टमर आ गया। तुम 3 बार आए हो, कुछ किया भी नहीं। तुझे तो तेरे पैसे मिल रहे हैं ना, कॉपरेट करने में तुझे कोई प्रॉब्लम? कंप्लेंट करूं क्या तेरी? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ आकर मेरे साथ कुछ भी नहीं करते हो, इसलिए पूछा। बिल्कुल तेरे जैसी है एक लड़की मेरी जिंदगी में भी थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था, वो मुझे छोड़कर चली गई। अब मुझे तुम में वो लड़की दिखती है, समझी? आपको यहाँ आकर अगर खुशी मिलती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आपको जैसे चाहिए वैसे कोऑपरेट करूंगी सर। ए, स्टॉप इट! तू पागल हो गया क्या? सर, प्लीज सर, मेरी मदद कीजिए सर, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे मुझे सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड का नंबर याद है, उसके अलावा कुछ नहीं याद है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं अब जैसा कहेंगे वैसे करूंगी सर। उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज सर मेरी मदद कीजिए। तेरे बॉयफ्रेंड का नंबर बता। जी, मुझे साहब से मिलना था। सर, नमस्ते सर। क्या है? सर, वो मेरी गर्लफ्रेंड को किसी ने किडनैप किया है। हाँ, हाँ सर, उसे प्रोस्टिट्यूशन भी करवा रहे हैं सर। तुझे कैसे पता? वो वहाँ के एक कस्टमर ने मुझे कॉल करके बताया सर। तो अभी क्या करना है बोल? कंप्लेंट करनी है। कंप्लेंट? भाई जरा बात करो, ये लो। हेलो। क्यों बे, मैं तुझे पागल लगता हूँ क्या? वो लड़की चाहिए तो 50 लाख लेकर आ, नहीं तो चुपचाप घर चला जा। ए, तू मुझे धमकी दे रहा है क्या? बात नहीं मान रहा है तू? कहाँ रहता है? लोनावाला में तेरी फैमिली के साथ रहता है ना? एकदम में तेरी बहन पड़ती है ना? तेरी फैमिली में से कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। तेरी सारी डिटेल जानने के बाद ही मैंने तेरी गर्लफ्रेंड का किडनैप किया है, अब तो तू समझ गया होगा। चल निकल ले। हेलो ब्रदर, गए थे क्या पुलिस स्टेशन में? क्या हुआ? एक फ्रेंड के नाते मैं पुलिस स्टेशन में उसके लिए कंप्लेंट करने गया था, वो मैंने कर दी। लेकिन 50 लाख देकर उस लड़की को मैं छुड़ाने की हालत में नहीं हूँ। मुझे लगता है अब वो लोग उसे बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। तेरे भरोसे बैठिए ब्रदर। पता नहीं मैं उसे छुड़ा पाऊंगा या नहीं, पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आज के बाद तू मुझे कॉल मत करना। शर्ट खोलो। ये क्या है? ये कैसे हुआ? आज के बाद हेल्प मत मांगना, वहां से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। किस्मत ने किस मूड पे लाया, अब तो
जैसी मेरी कहानी है, तुम्हारी माँ की भी कुछ वैसी ही कहानी होगी। तुम्हारी माँ को धोखा देने वाला कोई कायर होगा। तुम उसकी तरह ना बनो, इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम शक्ति रखा। अगर तुम्हारी माँ ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही होती तो तुम्हें सड़क पर छोड़ने के लिए उससे पल की भी देरी नहीं लगती। किस्मत ने किसे मोड़ पे लाया, अब तो डराए खुद का ही साया। क्या हुई थी खता, मिली सजा। मरना है मुश्किल, जीना है सजा। किस्मत ने किस मोड़ पे लाया, अब तो डराए खुद का ही साया। किस्मत ने किस मोड़ पे लाया, अब तो डराए खुद का ही साया। तू सुसाइड कर ले, तेरे लिए यही बेहतर है। इतनी तकलीफ उठाकर जीने से तो मरना ही अच्छा है। मगर ऐसा नहीं है, तूने बताया था ना कि मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत तकलीफें उठाई है। मैं मेरी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले से मैं बदला लेना चाहता हूँ। नहीं, वो लोग बहुत पावरफुल है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो हमें मार डालेंगे। मरने का डर किसे दिखा रही है? हो सकता है वो हमें मार डालेंगे, उससे ज्यादा वो हमारे साथ क्या करेंगे? हमारी हार या जीत तब तय होगी जब हम उनसे लड़ेंगे। तू तैयार है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी मदद की। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। सच में? इसी के साथ 1,00,000 रुपया भी दे दो। क्या 1,00,000?
कुछ दिन पहले ही तुम मेरे सारे पैसे लूट कर गए थे, अब कहाँ से लाऊं मैं पैसे? ठीक है, आई एम सॉरी। तुम भले ही मुझे पैसे मत दो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। तुमने मुझे जितने भी मैसेज भेजे हैं वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और तुम्हारे हाथ में जो निशान है उसके बारे में भी नहीं बताऊंगा। बस करो, मैं समझ गई, लेकर आती हूँ। बोलो कहाँ है, कहाँ भेजा है तूने? कौन, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? मुझे पता नहीं है क्या? शक्ति ना? हाँ, वो कोई लड़की के साथ आया था। वो कितना कमीना है पता है? मेरे किए हुए मैसेजेस मुझे दिखाकर मुझसे 1,00,000 रुपए लेकर चला गया। ए, तू इतना झूठ क्यों बोलती है? मैसेज मेरे को भेजा था ना? अरे हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं आया। ठीक है, मेरे को 50,000 दे। हाँ? वो क्यों? मैसेज के लिए। अभी तो 1,00,000 रुपए दिए। मैसेज तो मेरे पास है। मेरे पास और पैसे नहीं है। मैंने तुम्हें अच्छा समझा था, तुम तो चोर निकले। मैं तो हूँ ही चोर, वो अच्छा लड़का है। अभी तू क्या समझी? अपने पति के अलावा किसी और को मैसेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, दरवाजा बंद कर, आजकल दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। चलता हूँ। चेरी मेरी दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूं मुझे पता है वो इतना आसान नहीं है, लेकिन लाइफ में पहली बार सच्चाई का साथ देने जा रहा हूं। मैं एक लड़की की मदद करने जा रहा हूं, शायद उसी की वजह से मेरी जिंदगी के सारे बाप खुल जाए। नहीं होगा बॉस, तुम अच्छे आदमी हो, जीत तुम्हारी होगी। मुझे पता है भाई, अच्छे लोग सिर्फ फिल्मों में और किताबों में नहीं जीतते, असल जिंदगी में भी जीतते हैं, बस वो सच्चाई के साथ रहे। और हम सच्चाई के साथ हैं। मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक फोटोग्राफर है। हम तुम्हारे जानने वाले लोगों को यूज करके अगर उसको पकड़ ले तो हम उसकी गैंग तक पहुंच सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सही है ना? वो पक्का उसी रेस्टोरेंट में आएगा। आ गया क्या? स्टार्ट कर। हाँ, ओके ओके, स्टार्ट स्टार्ट। आ आ आ आ, नॉटी।
प्लीज रुक जाओ, करने दो। सॉरी, अब बताओ कब जाओगी दिल्ली? क्यों, घर से तो आ गई ना तेरे लिए। ये क्या कह रही हो, मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है, पता है ना? मेरी शादी हो गई है, एक हफ्ते में यूके का वीजा भी आ जाएगा, फिर भी वो सब छोड़कर यहाँ आ गई। देख, अगर तेरे घर में ये बात पता चली तो वो लोग क्या सोचेंगे? वो लोग कुछ भी सोचे, इससे मुझे क्या, मुझे बस तू चाहिए। मुझे मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं आ सकता। नहीं आएगा, नहीं आएगा तो भी ठीक है, कल अपने स्पॉट पर 6 बजे तक वेट करूंगी तेरा। उसके बाद अगर मुझे कुछ भी होगा ना, उसका जिम्मेदार तू होगा। अरे मेरी बात सुन, सुन तो सही। ए, ए। लगता है बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। वो मेरे सामने ही है। अब ठीक है, तुम वहां से निकलो, मैं फॉलो करता हूँ। वो क्यों आएगा अभी, उसका काम तो हो गया, मैं उसे फॉलो करता हूँ। ठीक है, लेकिन जरा संभाल के। टेंशन मत ले। प्लान चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं? वो ऑलरेडी मुझे फॉलो कर रहा है। मेरे पीछे पुलिस वाला खड़ा है। अब सालो, प्लान चेंज है। एरो कहाँ भाग रही है? रुक जा। ए, सुनो, कहाँ हो तुम? ए, भाग के कहाँ जाएगी? हाँ, ए, ए, छोड़ूंगा नहीं तुझे, भागेगी तो गोली मार दूंगा। मुझसे बचकर भागेगी? हाँ, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। पता? छोड़ मुझे। पता कौन है तू? अरे पता ना। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। अरे छोड़ मुझे, छोड़। पता कौन है तू? पता? अब सर, सर अब आपका फोन दीजिए ना, जरूरी कॉल करनी है। ये पुलिस स्टेशन इसके बाप का है क्या? सर, जब आप जूनियर थे तो वो सीनियर थे, माना कि आपका प्रमोशन हुआ, लेकिन आपको पता है ना कि अभी भी वो आपके सीनियर हैं। सर आप शांत हो जाइए। सर, सर कॉल करना बहुत जरूरी है सर, प्लीज सर मेरी बात सुनिए।
सर सर प्लीज सर प्लीज सर सर साहब आ गए। क्यों रे, पुलिस इन्फॉर्मर बना दिया तो खुद को पुलिस वाला समझ रहा है? मैं ऐसा नहीं समझ रहा हूँ सर। अगर आप चाहो तो मेरा इनकाउंटर कर सकते हो, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, आप बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं सर। छोटी छोटी चोरियां करता था, अब बड़ा किडनैपिंग करने लगा है क्या? उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। मैं उन लोगों तक पहुंच चुका हूं, मुझे एक हफ्ते की मोहलत दीजिए। एक हफ्ते का टाइम देता हूं तुझे। थैंक यू सर। ए रुक, मेरा गन देके जा। नहीं सर, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। नहीं देगा क्या मतलब है? इसे गन देने के लिए बोलिए। तू बैठ रहे, इतने दिनों तक रुके हो ना, एक हफ्ता रुक जा, मुझे इस पर भरोसा है। थैंक यू सर। अरे क्यों सर, सुना है आपकी गन चोरी हो गई? अगर आपकी गन चोरी हो जाएगी तो आम आदमी का क्या होगा सर? तू ये दोस्त बन के पूछ रहा है या पत्रकार बन के? हम लोग तो हमेशा दोस्त ही हैं सर, लेकिन हमारी नौकरी एक दूसरे की दुश्मन है। आपके सस्पेंशन के मामले में तो बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे हैं। मनाने दे मनाने दे, एक बार केस मेरे हाथ में आने दे, तब बताता हूँ एक एक को। देखना तो भी। सबकी कुंडली मेरे पास है, बहुत जल्द बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। अबे कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों बांध के रखा है? हे, हे! तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? हेलो, सोच क्या रही हो? हे! तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? अबे तू जानता नहीं मैं कौन हूं। ए! 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 खोल मुझे। चल अब बता, तेरा नेटवर्क कैसे काम करता है? चल जल्दी बता, नहीं तो ये तेरे बॉडी के किस छेद में घुसेगा ये मुझे भी नहीं पता। अब बताएगा या घुसाऊ तेरे बॉडी में? बताता हूँ, मैं बताता हूँ। जब भी जरूरत पड़ती है तब बॉस मुझे कॉल करता है, उसके बाद मैं सारी चीजें अरेंज करता हूँ। फिर किसी लड़की को सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, फिर किडनैप करके ब्रोकर को बेच देते हैं। उसके बाद क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। बस इतना ही? जाओ उसे सबक सिखा। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो।
शांत हो जाओ, अभी इससे बहुत कुछ जानना है, छोड़ो इसे, मर जाएगा वो, रोना बंद करो, चलो शांत हो जाओ। दिल से किसी के पास आई हूँ। तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम मुसीबत में थी इसलिए मैंने मदद की, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मदद करने के लिए थैंक्स, तुम मेरे लिए भगवान हो, शायद मैं तुम्हारे लिए कोई इंसान नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूट हूँ। भर ले मुझको बाहों में,
मुझ पे यूं जादू करे। क्या कर दिया? ए, बोलना। क्या कर रही हो तुम? अपना फ्रेंडशिप यही है। उसे मारो मत, मेरी बात सुनो। पागल हो गया क्या? उसे मैं मारने की कोशिश की थी। बोलना, क्या बोलना? उससे बात करने की क्या जरूरत? हाँ, मुझे पता है, वो दूसरी बात है। ये क्या कर दिया? ए, तू इधर आ, बैठ जा। उस दिन क्या हुआ तुम्हें पता नहीं? हमारा झगड़ा होने के बाद मैंने उससे बात की। अरे यार रुकना, मेरा फोन। अरे क्या कर रहे हो यार? हेलो, अरे सुबह सुबह क्या परेशान कर रहा है बे? भैया ए, पहले ये बता, तूने मुझे धोखा क्यों दिया? पैसों के लिए। ए, ये बात तुझे मुझे पहले बोलने चाहिए थी। अरे 20 लाख रुपए मिल रहा है, तुम्हें इतना देखा नहीं है? अरे बचपन से हर काम मैं तेरे लिए ही करता आ रहा हूँ ना। देख भाई, अपनी लाइफ में सेटल होने का। देख तुझे जो करना है वो कर, लेकिन यहाँ मिलने के लिए आ जा। नहीं, अपुन नहीं आएगा। तूने अपुन पे हाथ उठाया, अपन का ईगो हर्ट हो गया। इस ब्रोकर को तेरे बारे में मैं सब बताने आया हूँ। ए! अरे मेरा फोन तो मुझे जाना है। तू उससे मिलने क्यों गया? अरे सुनो, तू पागल हो गया है क्या? देख अब ये ब्रोकर क्या करेगा मैं नहीं जानता। तू एक काम कर, उस लड़की को लेके वहां से वट ले। मैं कुछ तो जादू चला के यहां से भाग के आ जाता हूँ। उस दिन अपन ने उसको धोखा दिया, उसी बात का सोच सोच के बहुत दुख हो रहा था। और तेरा फ्लैशबैक जानने के बाद तेरा हेल्प करने के लिए मुझसे उसने मदद मांगा, तो अपना दिल भी पिघल गया और सोचा एक बार उसका मदद कर ही देते हैं। इधर बजरंगबली का मंदिर किधर है? यहाँ से सीधा जाएगा ना तो एक ब्रिज मिलेगा, उसके अंदर घुसना, राइट टर्न करना, वहाँ तुझे एक बड़ा सा गेट दिखाई देगा, उसके अंदर घुस जाना, लेफ्ट टर्न करना और वहाँ से सीधा आगे बढ़ जाना, समझा? ठीक है, ठीक। थैंक यू साहब। हमने उसे बहुत मारा लेकिन उसने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ब्रोकर को पकड़ेंगे तो ही कुछ हो सकता है। उसके लिए एक तलवार जैसे आदमी को लेके आया हूँ। वो कौन है? तेरा दादा बे, जानता है इतने दिनों से तेरे को इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? वही उस ब्रोकर का आदमी। तूने उसे कैसे पटा लिया? तेरे बॉस के कितने इन्फॉर्मर है? वैसे तो बहुत सारे इन्फॉर्मर हैं और इनके बारे में जानना इतना आसान नहीं है। बॉस के पास कितने लोग काम करते हैं ये तो वही जानता होगा। तेरे बॉस के यहाँ से मेरे को फोन आया था। क्या बोल रहे? हम लोग जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो तेरे बॉस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे पकड़ के ले गया तो बॉस 40 लाख देगा, तो उस ब्रोकर को साइड में करके तू मेरी हेल्प करेगा तो हम दोनों 50-50 बांट लेंगे। सच में? देख इसमें एक कंडीशन है कि मैं कुछ भी पूछूंगा तो तू मेरे से बिना सवाल किए मैं जो बोलेगा वो तू करेगा। उस पे भरोसा कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। उसने इससे पहले जहाँ काम किया है उन सबको धोखा दिया है, इसलिए एकदम आत्मविश्वास से बोल रहा है अपन। तुम अंदर जाओ। भाई नमस्ते। बैठो। उसे कैसे पकड़ सकते हैं? अभी वो किस छमिया के साथ घूम रहा है क्या पता? अरे भाई वो क्या लड़की के साथ घूमेगा, वो तो गे है। वो क्या कर रहा होगा? तिलाना तिलाना, यही तो कर रहा होगा। भाई आप उसको जानते नहीं है, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो फिर उसे कैसे पकड़े? भाई उसको पकड़ने का एक तरीका है, उसका एक बॉयफ्रेंड है, उसका एड्रेस मुझे पता है। पता है? हाँ भाई। ठीक है फिर चल। विशाखा नगर में एक के बाद एक लड़कियों का अपहरण हो रहा है लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। शहर में औरतें अपने घरों से बाहर निकलने से डर रही है। एक्शन लेने वाला सिटी कमीशन
क्रिकेट देखने के लिए दिल्ली गया हुआ है। इतने बड़े हादसे होने के बाद भी पुलिस अपने नाकामियों की कई वजह दे रही है। इसके पीछे कितने बड़े लोगों का हाथ है ये बताने के लिए एनडीटीवी ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है। डार्लिंग, तुम्हारे ही फोन का वेट कर रहा था। अभी अभी तो मैं तुम्हें समझ रहा हूँ डार्लिंग। समझ गए ना? तुम्हें देखने का दिल कर रहा है। ठीक है, मैं अपनी गाड़ी भेजता हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। हमारा झगड़ा क्यों हुआ था पता है? तुम्हारे यहाँ जो मर्द है ना, वो सारे मुझ पर लाइन मारते हैं। सुनो, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। ऐसा नहीं है डार्लिंग, लेकिन तुम डार्लिंग, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो ये मेरा लास्ट कॉल होगा। रुको, मैं धोकर आता हूँ डार्लिंग। ऐसा बोलूंगा तभी वो आएगा सर। लाइफ में फर्स्ट टाइम अपन गे को देख रहा है। अभी तक तो सिर्फ फिल्मों में देखा था, लेकिन अभी अरे बाप रे। ए, वो आ गया रे। हाँ, चल चल। सॉरी डार्लिंग। बोल वरना ठोक दूंगा। मुझे जितना पता था मैंने सब बता दिया। किडनैपर की भेजी हुई लड़की मेरे पास आने के बाद फेसबुक में शूटर बिकॉम द हंटर इस नाम के प्रोफाइल में मैं मैसेज करता था। उसके बाद मेरे पास उसका फोन आता था। उसने एक जगह डिसाइड करके बताने के बाद मैं उस लड़की को लेकर जाता था। That's all, मैं इतना ही जानता हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं उसका सिर्फ फेस ही जानता हूँ। बॉल बे, बॉल, तेरे बॉस के बारे में क्या जानता है बॉल? क्लियरली बता, बॉल, बोलेगा कि नहीं? बॉल, बॉल, मुंह खोल अपना। उस बिजनेस को हैंडओवर करने के बाद से वो जब मिलना चाहता है तभी मिलता है हमसे, उससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं। सच में उससे ज्यादा उसको कुछ पता नहीं है, और मारा तो मर जाएगा। विशाखानगर में लड़कियों के होने वाले अपहरण को लेकर एनडीटीवी ने जो एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था उसकी वजह से पक्ष और विपक्ष में वाद विवाद होने लगे हैं। ऑफिसर पृथ्वी को ये स्पेशल केस देकर सरकार ने अपने कंधों से सारा बोझ उन पर डाल दिया है। फिलहाल इंटेलिजेंस में काम करने वाले पृथ्वी को एक स्पेशल ऑफिसर के तौर पर इस केस पर चार्ज करने का आदेश दिया गया है। ऐसा केस मुझे हैंडल करने पड़ रहा है, ये बहुत दुख की बात है। आज के बाद से शहर की हर एक लड़की मुझे मुंह बोला भाई बोल सकती है। शक्ति, और अगर मेरी बहनों को कोई आंख उठाकर देखेगा तो उनकी आंखें निकालकर अंधा बना दूंगा। और ये मेरा वादा है आपसे। एक मिनट, सॉरी। हेलो बॉस, लड़की मिल गई है बॉस।
मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ ये बात जानकर भी तूने मुझे फोन किया। इसका मतलब तेरी हिम्मत ज्यादा बढ़ गई है या फिर मैं कमजोर हूँ? ऐसा नहीं है बॉस, ये सब उस लड़की की वजह से हुआ बॉस। ये बात बाहर कैसे फैल गई? तूने किस किस को बताया? कैसे पता चला? मुझे ये जानना है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुझे कॉल करूंगा। समझ गया ना, तू मुझे कॉल नहीं करेगा। हाँ। शिट। सबसे पहले यहाँ की सिक्योरिटी देखनी होगी, उसके बाद हम उसे यहाँ से लेके जाएंगे, नहीं तो पकड़े जाने का डर है। समझ गया ना? चलो, वो ब्रोकर को ढूंढते हुए खुद ही वहां पर आ जाएगा। तू जहाँ है मैं भी वहीं हूँ प्यारे। आपको कैसे पता चला? ए, मैं स्पेशल ऑफिसर हूँ, तेरा नंबर ट्रैक करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर आ जाइए बॉस, वो लड़की मेरे पास ही है। लड़की को छोड़, पहले जो तेरे बगल में बैठा है ना उसको फोन दे। हेलो। ए, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तू मुझे ट्रैप करेगा क्या? एक मिनट। माइक वन कॉलिंग, दिस इज माइक वन कॉलिंग कंट्रोल, किडनैपर मिल गया है। सर, शायद आप जानते नहीं, मैं एक छोटी सी चोरी के लिए भी बहुत अच्छे से प्लान करता हूँ, और अब तो बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर को पकड़ना है, तो आप ही सोचिए मैंने कितना बढ़िया। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं 5 मिनट में कॉल करता हूँ। I'll call you back. Okay, sir. आपके हर काम की खबर एक कांस्टेबल को है, पर वो कल रात से लापता है। आप जानते हो कि उसके साथ क्या हुआ? तो चले? हाँ चल। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ चल। अगर तू पुलिस वालों को बुलाएगा तो मैं मीडिया को बुलाऊंगा, समझा? और वो तेरा लाइव टेलीकास्ट करेंगे। अब जो भी कदम उठाना है ना, थोड़ा सोच समझ के उठाना। हम एक डील करते हैं। आने से पहले एक छोटा सा मिस कॉल देना। एक मिनट, मुझसे जब मिलेगा तो तेरी वर्दी उतार के आना। ए, उसने सच में पुलिस को बुलाया तो मैं 5 मिनट में कॉल करता। अगर उसे ऐसा करना होता तो इतने दूर नहीं आता, क्योंकि उसे भी तो मीडिया का डर है। अगर उसकी सच्चाई सामने आ गई तो वो बर्बाद हो जाएगा। वो यहाँ तक आया खड़ी। ये बात बाहर कैसे पता चली? किस किस को बताया तूने? बता मुझे। उसके बारे में हमारे अलावा कौन कौन जानता है, ये जानने के लिए वो यहाँ आएगा। तो फिर तुम क्या करोगे उसका? ए,
ए ये सबूत मुझे देने के लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। हम पे यकीन करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं उसे बातों में उलझाऊंगा। ध्यान से सुनो, तुम उसके पीछे खड़े रहना और मैं उसे यकीन दिलाऊंगा कि हम उसकी बातों में फंस रहे हैं। वही आखिरी मौका होगा। हमेशा शांति से रहने वाले शहर के बीच पर हलचल। समुद्र के पानी में तैरता हुआ एक बॉक्स किनारे पर आया है, जिसमें से एक इंसान के बॉडी पार्ट्स मिले हैं। किसी ने आपसी दुश्मनी के चलते इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसा पुलिस का शक है, लेकिन इसके बारे में पूरी डिटेल्स अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हेलो सर, इतने दिनों से जिस गैंग की तलाश पुलिस कर रही थी हमने उन्हें पकड़ लिया है। सर मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ, आप आ जाइए प्लीज। ओके सर, बाय।